हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा बेस डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लिब्रा बेस डेटाबेस की। तो यहां पर डेटाबेस की बात करने वाले हैं, तो चलिए डेटाबेस की बात कर लेते हैं। यहां क्रिएट न्यू डेटाबेस पे हमें जाना है और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको यहां रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो यहां से फिनिश कर दीजिए। ठीक है, फिनिश करने के बाद यहां पर आप अपने डेटाबेस को जो चाहे नाम दे सकते हैं। यहां पर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट नेम ही रहने देने वाला हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हमें सीधा कहां जाना है, व्यू चेंज करना है, डिजाइन व्यू पे आ जाना है। अब डिजाइन व्यू पे आते ही आपको सिनेरियो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें डेटा बनाना होगा। तो चलिए यहां पर डेटा बनाते हैं, फील्ड नेम देते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ स्टूडेंट। और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद यहां पर वेयर कैर डेटा टाइप ही रहने देते हैं। यहां से आप इसकी विथ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से स्क्रॉल करके, तो आपको ये जो फील्ड नेम है दिखाई नहीं पड़ रहा था पूरा पूरा, अब ये दिखाई भी पड़ने लगेगा। ठीक है, अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया, लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट को हमें प्राइमरी की बनाना नहीं है। तो प्राइमरी की किसको बनाएंगे, तो रोल नंबर को बनाएंगे। तो यहां पर कर देते हैं रोल नंबर। ठीक है, तो ये लिख दिया रोल और फिर लिख दिया नंबर। तो इस तरीके से आपको भी कर देना है रोल नंबर। और आप यहां पर डेटा टाइप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं, इतने डेटा टाइप आपको एक्सेस में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी डेटा टाइप आपको चाहिए वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं नंबर ले लेता हूं। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं। अब यहां पर पहला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, तो यहां पर मैं डाल देता हूं कंप्यूटर इस तरीके से। और यहां पर जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही कंप्यूटर हमने चूज किया तो आप यहां इंटीजर भी ले सकते हैं, आप यहां फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम है होल नंबर का, तो हम यहां पे नंबर डेटा टाइप चूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहां पर दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि यहां पर मैं बात कर लेता हूं इंग्लिश की। ठीक है, ये कर लिया हमने इंग्लिश। और इंग्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर भी नंबर रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर भी कर दीजिए नंबर डेटा टाइप कुछ इस तरीके से। और इंग्लिश करने के बाद यहां पर कर दीजिए नेक्स्ट, लाइक यहां पर मैं कर देता हूं मैथ्स। ठीक है, तो ये कर दिया हमने मैथ्स कुछ इस तरीके से, मैथ्स कर दीजिए। और मैथ्स को करने के बाद यहां पर नीचे आइए और यहां पे कर दीजिए आप नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक नंबर डेटा टाइप हमने कर दिया। यहां पर आएंगे तो यहां पे करेंगे टोटल। ठीक है, तो ये कर दिया हमने टोटल। अब यहां पर हमें टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी रख लेना होगा नंबर डेटा टाइप। तो ये नंबर डेटा टाइप तो हमने बना लिया, लेकिन अब टोटल होगा कैसे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो यहां पर जाकर के ये टेबल वन आ रहा है, हम चाहे तो टेबल वन के भी नाम से सेव कर सकते हैं, या स्टूडेंट टी कर देता हूं मैं, ये कर देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहां पर कर दिया टी, यानी स्टूडेंट टेबल, तो ये टेबल के नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में हमने प्राइमरी की तो बनाया ही नहीं, तो इसको प्राइमरी की भी बनाना होगा। तो किसको इसमें से प्राइमरी की हम बना सकते हैं, रोल नंबर को बना सकते हैं। तो यहां पर राइट क्लिक करिए और बस इसको बना दीजिए प्राइमरी की। इस तरीके से आप प्राइमरी की बना सकते हैं। बस अब इसको कर दीजिए यहां से क्लोज। ठीक है, क्लोज करते समय ये सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फॉर टेबल, तो ये हमने सेव कर दिया। अब नीचे देखेंगे तो यहां पर यह स्टूडेंट टी आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें अगर कोई और भी फील्ड अगर आपको ऐड करानी हो तो आपको फिर से इसे लेना होगा डिजाइन व्यू पर। तो यहां पर जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद इसे एडिट मोड पे ले लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो यहां पर लिख देता हूं मैं परसेंटेज। तो ये लिखा मैंने परसेंटेज, इस तरीके से आपको परसेंटेज लिख देना है। परसेंटेज को लिखने के बाद यहां पर आइएगा और जैसे ही यहां पे आएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे डेटा टाइप दिखेंगे, लेकिन हमको क्या लेना है, नंबर ही लेना है। तो नंबर लेकर के अब इसको वापस से सेव कर देते हैं और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे तो यहां पर परसेंटेज वाली फील्ड भी एड हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं ये एड हो गई है। अब यहां पर आप नाम डालते चलिए, लाइक यहां पर कर दिया मैंने आर ए एम राम। फिर यहां पर नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहां इनका रोल नंबर आएगा, रोल नंबर 1 दे देते हैं। और फिर यहाँ कंप्यूटर का मार्क्स दे देते हैं, ये दे दिया कंप्यूटर का मार्क्स आउट ऑफ 100, ये दे दिया इंग्लिश का और ये दे दिया मैथ्स का। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल तो आ नहीं रहा है, टोटल आएगा कैसे, टोटल को लाने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क और करना होगा। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं जो रिकॉर्ड हमने इसमें डाला है, इसको सेव करके और फिर वापिस से कहां आएंगे, क्वेरी बनाएंगे हम। तो ये आ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, सो वी हैव टू क्रिएट द क्वेरी इन डिजाइन व्यू। सो हाउ कैन वी क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द स्टूडेंट टी टेबल, सो वी कैन एड दिस टेबल हियर। तो यहां पे देख सकते हैं ये टेबल हमने एड करवा लिया है और इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कर लेंगे
और ये इस तरीके से हम ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, फायदा रहेगा। ये देखिए यहां पर आया पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड, फिर इसी तरीके से पांचवा, और फिर ये छठवा, फिर ये सातवा, यानी सातों फील्ड नेम हमने यहां पे ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, आप हाथ से भी टाइप करके टोटल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं TOTAL टोटल, ये लिख दिया, और अब फिर से यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर को ऐड करना है, तो यहां लिख दीजिए कंप्यूटर कुछ इस तरीके से, ठीक है। डबल डॉट कोट्स को क्लोज कीजिए, प्लस यहां पे देख सकते हैं इंग्लिश लिख करके हमने डबल एटेड कोर्स को क्लोज कर दिया है। फिर यहां पर एट लास्ट अब क्या बच गया है वो लिखना है हमें, हमें लिखना है MATHS मैथ्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने, डबल एटेड कोर्स को क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहां पर आना है, ठीक है। परसेंटेज भी तो हमें कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू प्रेस हियर कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहां पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस करेंगे यहां पर आएंगे, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, किस तरीके से करना है वो समझ लीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको टाइप करना है डबल डॉट कोट्स, ठीक है, और डबल डॉट कोट्स टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल को उठाना है। तो यहां से मैं करता हूं TOTAL, टोटल के ही बेस पर हमारा कैलकुलेट होगा परसेंटेज, ठीक है। अब तीन सब्जेक्ट हैं, तो तीन सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इसको 300 से डिवाइड कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज, तो अभी इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने क्वेरी वन आ रहा है, तो जिस भी नाम से चाहे आप सेव कर सकते हैं, फिलहाल मैंने क्वेरी वन के ही नाम से इसको सेव कर लिया है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर टोटल तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन क्या परसेंटेज भी कैलकुलेट हुआ है, परसेंटेज नहीं कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो डोंट वरी, अभी ये परसेंटेज भी कैलकुलेट होगा, इसके लिए दूसरी क्वेरी डिजाइन कर देते हैं। तो यहां से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पर जाने के बाद हमें क्वेरीज को लेना है। तो ये पहली वाली क्वेरी जो क्वेरी वन के नाम से हमने सेव की थी, इसको एड कर लीजिए, यहां से इसको बड़ा छोटा कर लीजिए ड्रैग वैग करके, तो यहां से आप ड्रैग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको मैंने ड्रैग कर लिया, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, और फिर यहां से आप इसको बड़ा कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और बड़ा करने के बाद क्या करना है आपको, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। और फिर जैसे ही कर लेंगे आप, तो एक एक करके सारे फील्ड्स को लेते आइए, ये स्टूडेंट नेम हो गया, फिर रोल नंबर हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर टोटल हो गया, और फिर परसेंटेज। तो परसेंटेज ही हमें कैलकुलेट करना है, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं यहां पर कैलकुलेट होता है या नहीं। दूसरी क्वेरी हमने बनाई है, ठीक है, कंट्रोल एक्सप्रेस कर देते हैं और यहां पर लेके आ जाते हैं परसेंटेज को अलियास के अंदर, ठीक है। अब यहां पर परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले डबल डॉट कोट्स में लिखना होगा टोटल, कुछ इस तरीके से टोटल लिख दीजिए, और टोटल को लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइए इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 300 कर देंगे। आई होप कि इसका टोटल परसेंटेज भी आ जाना चाहिए। अब इसको क्वेरी टू के नाम से सेव कर लेते हैं, ये क्वेरी टू हो गया, और क्वेरी टू करने के बाद अब इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। तो ये देखेंगे ये क्वेरी टू है हमारी, और क्वेरी टू में इनका परसेंटेज जो है 60% आ रहा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब हमें करना क्या है, जो भी काम करना है, यहां पे देखिए ये क्वेरी वन है हमारी, तो यहां पर आप नाम डालिए, ठीक है, यहां पे नाम डाल दिया हमने, जैसे मान लीजिए यहां पे डाल देता हूं श्याम, SHYAM, ठीक है, तो यहां पर श्याम डाल दिया, और यहां पर इनका रोल नंबर 2 है, ठीक है, और यहां पर 55, और जो भी इनका मार्क्स है वो यहां पे डालते चले जाइए, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब जैसे यहां पर आएंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखेंगे यहां पर टोटल आ जाएगा अपने आप, लेकिन परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेरी वन है, क्वेरी वन में ये 2 रिकॉर्ड सेंटर हो गए हैं, ठीक है, और ये क्वेरी टू है, तो क्वेरी टू में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका परसेंटेज और टोटल दोनों ही होकर आ रहा है, ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा जो मार्क्स है उसको एंटर करवाता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं अभी, तो एक नाम हमने यहां पे और एंटर कर दिया है, और इनका रोल नंबर 3 है, और यहां पर आएंगे, यहां पर कुछ मार्क्स एंटर कर देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये हमने मार्क्स एंटर कर दिया। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको टोटल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये टोटल के लिए ही हमने क्वेरी डिजाइन की थी इसको, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। हमने क्या लिया था, नंबर डेटा टाइप लिया था, इसी वजह से यहां पर
जो है परसेंटेज जो है होल पूरा आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।